Hey guys, what's up? So guys, welcome back to another video and guys, welcome back to the channel. So guys, पिछली जो हमने वीडियो बनाई थी उसके अंदर बेसिकली हमने कवर करे थे कि बेसिकली नियोवीज आपको क्यों लेना चाहिए एंड आपको चाइनीज़ ब्रांड्स क्यों अवॉइड करने चाहिए. तो गाइज़ वो वीडियो हमने शूट करी थी बेसिकली हिसार के अंदर एंड आपको वहाँ दिखाई थी डीलरशिप. बट गाइज़ ये वाली वीडियो कवर करने वाले पंजाब के अंदर और अगर स्पेसिफिकली बताऊँ तो गाइज़ वी आर इन बेसिकली लुधियाना एंड अब हमने आज की वीडियो होने वाली है गाइज़ उसके अंदर विल टेल यू ऑल अबाउट नियो व्हील्स एंड नियो व्हील्स आप कौन कौन से आपको बेसिकली लेने चाहिए डिज़ाइंस. तो डिज़ाइन के अंदर आपको साइज़ छोटा 12 इंचिस लेकर 13, 14, 15, 16, 17, 18 बताएंगे एंड डिज़ाइन कौन कौन से एंड एग्जैक्ट प्राइस ही बताएंगे आपको सबकी. तो गाइज़ आज की वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइज अब जैसे आपको बताया था हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने पूरा समझाया आपको न्यू क्यों लेना चाहिए, न्यू कहाँ से लेना चाहिए. लेकिन गाइज आप लोगों को ये नहीं बताया था कि अगर आप पंजाब के आसपास रहते हैं, पंजाब साइड रहते हैं तो आपने न्यू कहाँ से लेना है. तो गाइज आज हम आए बिल्कुल ही ब्रांड न्यू जगह पर जहाँ आज तक हम नहीं आए थे कभी. तो गाइज अब आते हैं बेसिक सर के पास. तो सर थोड़ा अपने बारे में बताएं, इंट्रो दें, कहाँ पे शॉप है, हम लोग कहाँ पे आए हैं, थोड़ा लोगों को बताएं प्लीज. ये जो है सिटी का हार्ट है, मल्हार सिनेमा रोड, इसको सतपाल मित्तल रोड है और मदोक एंटरप्राइजेज हमारी फर्म का नाम है और तकरीबन हम 97 से इस बिजनेस में और वी आर द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस न्यू एंड पंजाब. वन ऑफ द फर्स्ट डीलर्स हैं जो हमने पंजाब में न्यू का शोरूम स्टार्ट किया है. फर्स्ट टाइम बेसिकली आप ही नहीं यहाँ को किया था इंट्रोड्यूस. हाँ जी, न्यू आप लेके आए थे इधर. तो सर कब से काम पंजाब? ऑलमोस्ट पक्का तो याद नहीं है बट आई थिंक इट्स अराउंड 2003-04 के आसपास की बात होगी. 2000 के आसपास की बात है, मतलब 18-19 साल तो आपको नॉर्मली करते हुए. हाँ जी हाँ जी, हो गए. तो सर थोड़ा सा और बताएं कि आप नियो क्यों आपने यूज़ किया, आप कैसे नियो के साथ जुड़े? नियो में ऐसा है कि नियो में शुरू से हम जितने भी यहाँ पे टायर बेचते हैं वो सारे हमारी एक ही स्पेशलिटी है कि हम जो टायर बेचते हैं वो मेड इन इंडिया बेचते हैं. आज भी लुधियाना में एक हमारी शॉप होगी जो सबसे ज़्यादा हम इंडियन ब्रांड्स के टायर बेचते हैं. इसलिए हमारी शुरू से कोशिश यही रही है कि हम इंडियन ब्रांड्स के ही अलॉय व्हील्स बेचें. पहले हम हिंडाल्को के बेचते थे, फिर नियो आ गया. नियो जब से आया है हिंडाल्को का प्लांट भी अब तो नियो ने ले लिया है. हाँ जी, तो अब हिंडाल्को वाला प्लांट भी नियो ने ले लिया है. तो तब से हमारी यही कोशिश रही है कि नियो के साथ जुड़ें क्योंकि जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं हमारी कोशिश यही रहती है कि जो कस्टमर्स हैं हमारे वो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं. वो कभी हमारे ऊपर ही डिपेंड हैं कि हमने जो डाल दिया उसको वो डलवा लेते हैं, चाहे वो लाइव्स के डिज़ाइन भी हो हमारे के वो भी हम अपनी मर्जी से. आप ही रिकमेंड करते हैं उन्हें कि आप पटवी की डिज़ाइन. हाँ जी हाँ जी. तो इस वजह से हमारी कोशिश रहती है कि कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आए, तो हमने इसलिए ये न्यू कोई स्टार्ट किया शुरू से. तो ये आपका कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें बेस्ट चीज़ देना चाहते हैं अपनी तरफ से. तो आपके हिसाब से बेस्ट चीज़ अगर लेना चाहें तो दैट इज़ बेसिकली न्यू व्हील्स. न्यू व्हील्स. तो सर न्यू व्हील्स के हमने ऑल्दो पिछली वीडियो में आपको सारे फीचर्स बताए थे कि क्यों आपको लेने चाहिए, बट फिर भी एक जो पर्सन काफी डील कर रहे हैं, अगर आपके मुझे सुनना चाहेंगे करें. न्यू व्हील्स में एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये स्टडी अलॉय व्हील्स हैं. ये जल्दी कहीं इसमें क्रैक्स वगैरह नहीं आते हैं. जो आम नॉर्मल अलॉय व्हील्स हैं जो मार्केट में है, मार्केट में क्या है कि चीपर ब्रांड्स लेते हैं, जहाँ से चीप ब्रांड मिल गया, चाइना से मिल गया, कहीं से मिल गया, वो जो उनको सबसे सस्ता मिला जिसमें उनको प्रॉफिटेबिलिटी है, उन्होंने वो अलॉय व्हील बेच देना है. उनको ये है ही नहीं है कि ये अलॉय व्हील कल को टूट के कस्टमर को मतलब के रिस्की है लाइफ उसकी. बट जो नियो के अलॉय व्हील्स हैं इसमें यह है कि इसमें जल्दी कहीं आपकी प्रॉब्लम नहीं, अनलेस कहीं आपका एक्सीडेंट बहुत तगड़ा हो गया है, कहीं आपकी गाड़ी कहीं फुटपाथ पे बहुत ही ज़्यादा जोर से लगी है. थोड़े बहुत कहीं जो चाइनीज अलॉय व्हील्स आते हैं वो तो आमतौर पर खड्डों में टूट जाते हैं, कई बार छोटे छोटे खड्डों में भी टूट जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं, चिपिंग हो जाती है. बट जो नियो की वैरायटी क्वालिटी है वो इस मामले में औरों से, मतलब कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसमें ये मतलब कि बिल्कुल ही हम बाहुबली जैसे है कि कुछ होगा ही नहीं इसको, बट ये है कि चांसेस के एज कम्पेयर टू एनी अदर ब्रांड 2-3% है सिर्फ, बहुत कम है जो कि अगर देखा जाए. बहुत ही कम है. हमने इतने साल हो गए हम लॉयबल्स इसके बेचते हुए, हमें कभी कोई प्रॉब्लम इसमें आई नहीं आज तक. कभी कोई सिंगल पीस आया हो या हो सकता है मैं झूठ बोल दूँ, चलो एक या दो पीस आए होंगे इतने 15-20 साल में, दो पीस आ गए होंगे आज तक. वैसे आज तक सिंगल पीस हमने कभी रिप्लेसमेंट के लिए आज तक कभी रिप्लेसमेंट नहीं है. बहुत अच्छी चीज़ है सर अगर देखा जाए तो.
और एक न्यू की बड़ी अच्छी चीज़ है, बेनिफिट है, सपोज अगर आपका कभी बाई चांस एक्सीडेंट हुआ, कुछ एक पीस खराब हो गया या एक पीस किसी चोरी कुछ भी हुआ हो जाता है, तो वो इस यहाँ पे एक पीस की भी है कि चलो कई बार क्या है कुछ मॉडल आते हैं बचाने जाते हैं, माल आ गया उसके बाद में उसका दोबारा आता ही नहीं है। तो जब आप एक कंपनी के साथ जैसे न्यू ऐसा अपना बनाते हैं, तो जब कभी कोई एक पीस टूट जाता है, कोई चोरी हो जाता है, किसको वैसे ही किसी का कलर ही खराब हो गया या कहीं गाड़ी कहीं पे रगड़ लग गई तो डैमेज हो गया किसी तरीके, तो सिंगल पीस भी मिल जाता है अगर आपको किसी ने पांच भी चाहिए तो मिल जाता है आपको पूरा सेट करने की। हाँ जी हाँ जी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। जैसे अगर देखें तो पीकॉक्स को पीछे लगाते हैं तो एक्स्ट्रा लगाना चाहिए, लोगों को चाहिए होता है लुक। कई लोग फाइव पीस लॉय पीस भी डलवाते हैं, गाड़ियों में भी लगवाते हैं, तो स्टेपनी में भी स्टेपनी में भी एक्स्ट्रा पीस मिल जाता है। और सर अगर मैं उसकी बात करूँ वारंटी की, तो वारंटी के अंदर क्या क्या मिलता है इसके थ्रू? वारंटी में इसके कलर की वारंटी है जी, एक साल की वारंटी मिलती है। ओके, और मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है तो कभी आता नहीं, जैसे कहीं लीकेज हो गया अलॉय व्हील, हाँ जी, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम ऐसी है ही नहीं, हाँ जी। बट इनकेस कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम वारंटीड है, इसका लाइफ टाइम वारंटी है उसकी। अगर वो लीकेज आती है तो उसकी लाइफ टाइम वारंटी है, तो वो आप चेंज कर देंगे? हाँ जी। तो डायरेक्टली कब भी चेंज कर देंगे? आया ही नहीं सर कभी पीस, कभी आया ही नहीं है आज तक कभी, यहाँ मतलब 20 साल होने वाले हैं, एक पीस चेंज होने के लिए कभी कोई आया ही नहीं पीस तो। एस्टोनिशिंग है सर ये थोड़ा जानना भी, यानी मतलब हमारे पास क्यों एक साइज टायर का प्रॉपर फिट होता है, जब हम ज़्यादा ही कई बार क्या होता है कि यंग जनरेशन आती है वो क्या करते हैं कि आप लॉयविज डाल दो जी, तो उसमें लो प्रोफाइल ज़्यादा टायर डलवाते हैं, वो भी उसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है कि जब आप ज़्यादा ही छोटे टायर डाल देते हैं तो खड्डे में जाके लॉय टूट जाता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि कस्टमर एक बार वापस गया दोबारा आ जाएगा, बट एक बार जिस हरास हो गया, जो उसको रास्ते में प्रॉब्लम आ गई, वो दोबारा कस्टमर नहीं आएगा, इसलिए हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट दें। तो आप चाहे टायर दें चाहे व्हील की बात करें, आप उन्हें बेस्ट चीज़ बेस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। हाँ, थोड़ा अपसाइज कर रहा हूँ तो आप एक बेस्ट सोल्यूशन देंगे, इतना बड़ा ज़्यादा बड़ा मत जाइए, हाँ, एक साइज अप जाइए या थोड़ा चौड़ा थोड़ा दर्द है, जो भी है, ऐसा नहीं है कि जो कस्टमर ने बोल दिया सर इसको ऐसे करके डाल दो, वो उस टाइम तो हमारे पास आता है सर अपनी मर्जी से डलवा लिया, ये हमने जी डलवाना है तो हमने डाल दिया। हाँ जी, जब उसको कंप्लेंट आती है फिर उसको ये भूल जाता है कि हमने इसको इंसिस्ट किया था कि आप ये मेरे को डाल दो, ठीक है ना, उस टाइम तो वो भूल जाता है। जब तो उसको डलवाना होता है तब तो उसको चाहिए कि मेरे को इतना सुंदर चाहिए, ये चीज़ चाहिए, हम उसको बताते हैं कि इसमें आपका सुंदर तो लगेगा बट इसमें आपका रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, टूटने का खतरा है, टायर फटने का खतरा है, तो पर अगर वो हमारी कोशिश यही रहती है कि उसको जो उसके गाड़ी के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट है हम वो डाल कि कल को उसको प्रॉब्लम ना आए। तो भाई आपने अभी सुना कि हमने बताया कि टायर अपसाइड करवाएं, लेकिन आप जरूर जब भी जाएं किसी के पास तो उनसे ज़रूर कंसल्ट करें, पहले अपना दिमाग ना लगाएं क्योंकि हमें तो नहीं पता होता क्या है, जो पर्सन इसे 20 साल से काम कर रहे हैं उन्हें सारा आइडिया रहता है, आप उनसे बात करें। तो सर ये तो बात कर ली हमने बेसिकली नियो के क्यों अच्छा है, क्यों लगवाना चाहिए, अब सर थोड़ा नियो के डिज़ाइन देखते हैं जाके कि कौन कौन से अच्छे डिज़ाइन हैं, क्या साइज वगैरह अवेलेबल है। हाँ जी, तो सर अभी डिज़ाइन तो इनके बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, जो शुरुआत में आपको बात बताता हूँ, जब हमने नया नया अलॉय व्हील्स का काम स्टार्ट किया था तब मैं 4 अलॉय व्हील सेट लेके आया था, सिर्फ 4 सेट्स। हाँ जी, और उसमें क्या है कि कस्टमर आते थे तो 2-3 सेट ही होते थे, डिज़ाइन होते थे, उसमें अगर मैंने यही डालना है, 3 वाला डालना है, 3 स्पोक डालना है या 5 स्पोक डालना है, और आज के डेट में ये हो गया है कि इतने अलॉय व्हील रहते हैं फिर भी कस्टमर कहता है सर आपके पास वैरायटी कम है, और लेके आओ 4 से कहाँ पहुँच गई बात, तभी और लोग और डिज़ाइन। हाँ जी हाँ जी, तो चलिए सर एक बार आपकी बाहर शॉप देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है, एंड देन उसके देखते हैं डिज़ाइन कौन कौन से भी नहीं होगा। चलो चलिए चलिए। हाँ जी, 2 लिफ्ट लगे हैं जो शुरू हो गया। तो सर अभी जैसे बता रहे थे अंदर मुझे आप कि अभी क्या करते हैं सर, न्यू व्हील्स देखने से पहले बताइए आपका और क्या क्या यहाँ वर्क हो जाता है? और हमारे पास फिटिंग है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट जो मेन काम है, इसके साथ रिलेटेड है टायर्स के साथ रिलेटेड है अलॉय व्हील्स के साथ, क्योंकि अलॉय व्हील्स तो एक बार डलने हैं उसके बाद तो 5 साल चाहे 7 साल जितने साल 10 साल अगर गाड़ी 5 साल रखेगा तो उसके आफ्टर एवरी 5,000 अलाइनमेंट बैलेंसिंग करने के लिए उसका फिर से हमारे पास आना पड़ेगा। जल्द से जल्द निपटाने के लिए डबल लिफ्ट्स रखी हुई हैं। बताना चाह रहे जो लोग मशीन लगा जैक लगाएंगे, जैक लगाते हैं टू लिफ्ट। हाँ जी, जैक लगाने से अच्छा कि यहाँ एक तो इससे सेफ्टी रहती है, गाड़ी गिरती नहीं सकती। जैक में क्या होता है कि गाड़ी लगाया, जैक लगाया, गाड़ी फिसल गई। हाँ जी, तो इसमें क्या होता है कि बहुत एक्यूरेटली काम होता है और सेफली काम होता है और अपनी प्रीमिसेस के अंदर काम होता है, ये नहीं गाड़ी को जैक हम बाहर सड़क पर लगा रहे हैं। तो प्रीमिसेस दिखाते हैं एक बारी, काफी बड़ा है सर।
अंदर प्रीमिसेस में हमारे एट ए टाइम 5 कार्स का काम इकट्ठे हो जाता है, तो काफ़ी बड़ा है। हाँ, जैसे बेसिकली आप देख सकते हैं अभी बहुत बड़ा एरिया है, तो बता रहे हैं आराम से 4 से 5 गाड़ियाँ 5 कार्स आराम से लगती हैं। 2 अलाइनमेंट बेस है हमारे पास, ओके, उसमें 2 गाड़ियाँ अलाइनमेंट इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है, और 2 लिफ्ट्स लगी हुई हैं, ठीक है, इसमें 2 गाड़ियाँ बैलेंसिंग इकट्ठी हो जाती हैं, बैलेंसिंग होती है, ओके। तो अगर 4 गाड़ियाँ भी हों तो 4 गाड़ियाँ इकट्ठी भी आधे घंटे में हो जाएंगी, ठीक है, इतनी हमारे ने फास्ट सर्विस रखी हुई है। तो ये ऐसे देख सकते हैं इस साइड ये सारा एरिया बैलेंसिंग एरिया है, उस साइड देखे तो सारे व्हील्स हैं, आपको चूज करना है। हाँ, उसमें अलाइनमेंट का एरिया अलग और उस साइड अलाइनमेंट का एरिया बैलेंसिंग अलाइनमेंट व्हील्स एंड। और इसके अलावा और क्या क्या अवेलेबल, अगर बंदा कोई यहाँ आता है और क्या क्या अवेलेबल? हमारे पास कार एसी सर्विस का काम भी है, जो कार जैसे कम आजकल एसी, आजकल ह्यूमिड मौसम है तो इसमें एसी की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। गैस निकल गई या कुछ लीकेज है? लीकेज हमने काम रखा है जो सोफिस्टिकेटेड काम है, जिससे आपकी गाड़ी में कुछ भी कमी है एसी में, तो हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन है, इटालियन मशीन है, तो उसमें कोई एरर फ्री काम होता है कि जैसे जिस गाड़ी को जितनी गैस चाहिए, जितना ऑयल चाहिए वो उस टाइम में कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसके जैसे। मैं भी देख रहा था मर्सिडीज ई क्लास आई थी पुरानी वाली, हाँ जी हाँ जी, 10-12 मॉडल की, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो भी आई थी अभी एसी के लिए, गई है एसी करके अभी जस्ट गई थोड़ी देर पहले गई है। तो काफी सही जगह है सर आपके लिए काम करने के लिए। तो ये तो आपको दिखाया प्रीमिसेस एंड आप देखते हैं अंदर व्हील्स लोकेशन एंड व्हील्स सब चेक करते हैं। आइए सर। तो सर जैसे आप आपके अंदर आ गए जहाँ सारा के व्हील्स रखे हुए हैं, थोड़ा बताएं व्हील्स कौन से व्हील्स वगैरह है, कितना प्राइसिंग एंड कौन डिजाइन का नाम वगैरह? ये शुरू हो जाता है अल्टो से स्टार्ट हो जाते हैं, लाइवल नहीं होके अल्टो के लिए, अल्टो से, हाँ जी, ये नया डिज़ाइन है, ये नया अल्टो के लिए नया मॉडल आया है, ये इसमें K10 के लिए है। तो साइज़ कितने सर ये 12 इंच का है, 12 इंच बोलते हैं लाइवल, हाँ जी 12 इंच, ये 13 इंच है, ठीक है, हाँ जी, और आगे 14 इंच, 16 इंच, 17 इंच। इसमें जो लाल रंग है उसको क्या बोला जाता है उसको? इसको MBR रेड लिप, आजकल ब्लैक का ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, तो लोग आजकल ब्लैक ज्यादा, ठीक है। और बताया और कौन से डिजाइन है इनके पास? ये इसका ये भी नियो का ही है 13 इंच में, ये ट्रांसफार्मर चल रहा है, हाँ जी ट्रांसफार्मर मॉडल है, इसमें डल फिनिश आती है, ठीक है, जैसे ये मैट में है, हाँ जी, ये ग्लॉसी फिनिश है, ऐसे भी इसमें आगे आगे डिफरेंस आते हैं। तो ये तो 12 और 13 इंचेस हो गए, तो इनका प्राइसिंग वगैरह क्या होती है थोड़ी बहुत? प्राइसिंग 14,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, 14,000 से 12 इंच स्टार्ट हो जाते हैं, हाँ जी। और कहाँ तक जाता है मैक्सिमम तक? थोड़ा बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, 14-16 समथिंग लाइक दैट। आगे सर नेक्स्ट वॉल पे चलते हैं। इसमें ये 15 इंचेस है, ये नियो का मॉडल है, इसमें इसमें ट्राटी के भी हैं, ये नियो का मॉडल है, ठीक है, हाँ जी, सिल्वर में। ये कौन सा साइज वाला? 15 इंच में है, ये स्विफ्ट के लिए है, इंडिगो इको स्पोर्ट इसमें इंडिगो है, और फोर्ड फिगो इसमें ये लगते हैं 15 इंच से शुरू है, और i20 के जैसी गाड़ियों में फोर्ड फिगो, हाँ जी, और कहने का हैचबैक, छोटी हैचबैक उनमें सब चल जाते हैं। तो इनका प्राइसिंग क्या होता है सर? इनका ऑलमोस्ट 21,000, मतलब 21,000 में ही आ जाता है 15 इंच के आसपास। और सर फिनिश में फर्क पड़ता है, जैसे हमने बताया रेड अंडरकट या ब्लैक, थोड़ा बहुत फर्क होता है, 500-1,000 ऐसे, ऐसा कोई मेजर फर्क नहीं, मेजर फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क। तो अगर मैं डिजाइन को डिफरेंट भी चूज करता हूं तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं आता है कि हां जी ये इतना है कोई इतना है, अनलेस कोई ज्यादा ही ग्लॉसी फिनिश आएगा वो 2-3 हज़ार कोई फर्क, 2-3 हज़ार ही अगर देखें तो 10-20% का फर्क है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो ये हमने कवर किया 12-13 एंड अब 15 पे आ गया, ये 14 इंचेस में आ गया, 14,000 है, ठीक है। ये 14 इंचेस में नियो का नया डिज़ाइन है, इसमें भी अलग अलग जैसे गाड़ियों में आता है, कुछ गाड़ियों में टच करने लग जाते हैं लाइव व्हील्स, उसमें क्या है इसकी विड्थ कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, तो हमें उस हिसाब से भी डालने पड़ते हैं कि कस्टमर को प्रॉब्लम ना आए। तो सर तो कार पे डिपेंड करता है, मतलब अरे कार पे डिपेंड करता तो है। ऐसा नहीं है जो i20 के 15 इंचेस है वो स्विफ्ट में डल जाएंगे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, डल जाते हैं, बट क्या होता है कि जब आप गलत डाल देते हैं, जो ज़्यादा विड्थ वाला अलॉय व्हील डाल देते हैं, तो क्या है कि जब ज़्यादा लोग बैठते हैं गाड़ी में तो गाड़ी टच करने लग जाती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को ये प्रॉब्लम भी ना आए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है अलॉय व्हील्स में, जब भी हम अलॉय व्हील्स डालते हैं तो उसमें सबसे एक फैक्टर ये है कि जो गाड़ी में 4-5 लड़के आदमी बैठते हैं, जब गाड़ी फुल हो जाती है तो उसमें क्या है कि टच करने लग जाती है गाड़ी, फिर बूट में सामान भी हो गया तो और, हाँ जी, तो उसमें क्या है कि जैसे ये अलॉय व्हील है, हाँ जी, इसकी विड्थ 5.5 इंच 5 इंच
14 इंच में है इसका, यही नियो का ही लाइव व्हील है, ये 6.5 इंच का लाइव व्हील चौड़ा है, इसकी विड्थ 6.5 इंच है। उसमें क्या है कि कुछ लोग कहते हैं ज़्यादा चौड़ा टायर डालना है, और कुछ गाड़ियाँ होती हैं जिसमें इतनी ज़्यादा स्पेस होती है कि आप कुछ भी डाल दो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वासिफ्ट इज़ वन ऑफ द कार जिसमें आपको टच करने की प्रॉब्लम बहुत कम है, पर कुछ गाड़ी में जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे यही अलॉय व्हील हम सेंट्रो में डाल दें उसमें भी 14 इंच का टायर है, फिर वो टच करने लग जाता है। बट वो 14 इंच ले सकता है, लेकिन 14 इंच ही उसमें रेडियस तो आ जाएगा, सॉरी साइज में आ जाएगा, साइज में आ जाएगा, पर इसमें विड्थ इसके बहुत ज़्यादा है। और कौन से डिजाइन है सर, अगर बात करें तो नीचे वगैरह देखे तो ये वाला नियो का लेटेस्ट मॉडल आता है, नॉच मॉडल कहते हैं इसका, नॉच मॉडल है ये, लेटेस्ट इनका मॉडल आया है ये, इसका बहुत अच्छा मॉडल है जो खाली रहता है। हाँ जी, ये अच्छा मॉडल जाता है इसका, काफी ऑप्शन अवेलेबल है, देखा जाए तो 12 13 14 15 तक तो बहुत ऑप्शन दिखा दिया आपने, तो बहुत ही ज्यादा रेंज आ चुकी है नियो की। आगे हालांकि पहले इतना रेंज नहीं आती थी, बट आज की डेट में नियो ने बहुत ही ज्यादा प्लांट में अपने में डिजाइन बना लिए हैं। तो टोटल बात करो तो कितने डिजाइन आते हैं लगभग इनके, अगर ऑल ओवर द रेंज बात करें तो? मेरे हिसाब से पक्का तो मैं कह नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से 100 डिजाइन तो होंगे कम से कम। 100 तो ये हमने 12 से लेकर 15 इंचेस कवर करे, अब सर ऊपर कवर का थोड़ा देखते हैं, 16 इंचेस आ जाइए जरा, जी अब ये 16 इंच में नहीं होगा, ये 16 इंच में नहीं होगा मॉडल है, ये भी फिनिक्स मॉडल है, ये इनका मॉडल है 16 इंच का, ये भी न्यू मॉडल है, ये भी न्यू का मॉडल है, ये सारे न्यू के मॉडल 16 इंच में हैं। 16 इंच क्या प्राइसिंग होती है सर लगभग इनकी? 16 इंच के ऑलमोस्ट 22,000 से लेके 25,000 के आसपास, 22 से 25। तो ये आपने बताया, और सर ये भी किसी गाड़ी ले सकते हैं या फ़र्क, जैसे सपोज करिए ड्रेजा 16 है और हमारी अगर आप और जैसे अगर होंडा सिटी 16 है, ये मल्टीपर्पज ही होते हैं सर, सभी गाड़ियों में फिट हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं ऑलमोस्ट सभी गाड़ियों के लिए कॉमन ही होते हैं, क्रेटा में या ब्रीजा में, एक्सयूवी जो 300 है तो इको स्पोर्ट में डिफरेंट है, इको स्पोर्ट डिफरेंट है, बट जैसे क्रेटा ब्रीजा और ये सेल्टोस ऐसे अगर 16, हाँ जी सेल्टोस में भी 16 इंच में लग जाएगा, लग जाता है। तो और हैं सर 16 इंच में, ये सारे मॉडल 16 इंच नहीं होगा, ये भी 16 इंच का नहीं होगा, ये भी 16 इंच नहीं होगा। तो सर हमने 12 से 16 बात करें तो आप और कौन से साइज आते हैं इनमें? और आता है 17 में आते हैं, 17 उससे ऊपर भी अवेलेबल है? हाँ जी, 17 से ऊपर भी आते हैं, बट हम 17 से ऊपर अभी कम उसमें डील करते हैं, 18 इंच में भी आते हैं। तो आपके सभी कौन से हैं 16 के ऊपर, 17 18 है? 16 ये 16 इंच में, इधर ये भी बड़ा है, जैसे 14 इंच में था ये 16 इंच में, सेम डिज़ाइन है, 16 इंच में, ये भी 16 इंच में, ये आपका ये भी 16 इंच है होंडा सिटी के लिए, जैसे आप पूछ रहे थे कि होंडा सिटी, हाँ जी ये होंडा सिटी के लिए है 16 इंच में, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, तो सर ये सेम सपोज कर होंडा सिटी बताया आपने 16 इंच डल जाएगा, तो क्या ये ब्रेजा क्रेटा में भी डल जाता है? नहीं जी, ब्रेजा क्रेटा में होता क्या है कि इसके होल्स 4 होते हैं। हाँ जी, और जो अपनी ब्रेजा है या क्रेटा है उसमें 5 होल अलॉय व्हील्स चलते हैं। हाँ जी, ये होल इसके 4 है, तो उसमें ये सभी मैटर करता है, साइज भी है, चौड़ाई तो है ही, फिर नंबर ऑफ होल्स, हाँ नंबर ऑफ होल्स हैं वो तो अलग अलग गाड़ियों के, फिर अलग अलग, जैसे नोवा में भी 16 इंच लगता है। हाँ जी, क्रिस्टा में भी 16 इंच लगता है, जो पहले वाली नोवा है उसमें भी लोग 16 इंच का टायर डलवाने लग गए अब तो ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी, तो उसमें कितने आते हैं होल्स? उसमें 5 उसमें भी 5, नोवा में 5 आते हैं, क्रिस्टा में 5 आते हैं। अच्छा, उसमें भी आते हैं, उसमें 5 आते हैं, ठीक है। जैसे ऊपर भी देखा जाएगा, ये देखो ये 17 इंच में है, ये 17 स्टार्ट हो गया, ये भी 17 इंच है, ये भी 17 इंच है नियो में। तो सर 17 की प्राइसिंग कितनी होती है लगभग? 17 30,000 के आसपास, 17 इंच बेसिकली 30,000 में आपका शुरू हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो और के आसपास है, कोई 29 है, कोई 30 है, 31 है, ऐसे ही चलता है, कोई उसकी रेंज में ऑलमोस्ट 30,000 के आसपास है, ठीक है। तो बेसिकली आपने बताया 12 इंच स्टार्ट हो 14,000 से, 18 इंच लगभग 30,000 मान लेते हैं, तो 14 से 30 की रेंज है। हाँ जी, इतनी लगभग रेंज, 17 इंच 30,000 है, 18 इंच थोड़ा महंगा, इससे ऊपर जाए नीचे अगर थोड़ा 18-19 में भी आता है, 18-19 हम इसलिए कम करते हैं क्योंकि टायर का कस्टमर का बजट कुछ ज़्यादा हो जाता है। ओके, 18 इंच में अगर आप छोटी कार में डालो तो जैसे ब्रांडेड टायर के साथ विस्टन का टायर जैसे डालें 16,000 के आसपास है, वही टायर अभी तो चाइनीज टायर काफ़ी महंगे हो गए हैं आगे से, अब तो पीछे से, हाँ जी, तो इस वजह से थोड़ा महंगा हो गया, बट वही टायर अगर चाइनीज 9-10 हज़ार रुपये का आ जाता है तो कस्टमर के लिए वो अमाउंट 24-25-30 हज़ार ज़्यादा हो जाता है। तो सर 18 इंच कौन कौन सी गाड़ी में हो जाता है? 18 इंच सभी में डल जाता है जी, जिसमें आप क्रिस्टा में डालो 18 इंच डल जाता है, क्रेटा में 18 इंच डल जाता है, सभी में डल जाता है। टायर प्रोफाइल कम करनी पड़ेगी, टायर प्रोफाइल कम करनी पड़ेगी। तो जो बड़ी गाड़ी है जैसे मान लीजिए फॉर्चूनर वगैरह है, उसमें तो 18 इंच आता है और बड़ा 20 इंच का आता है।
20 इंच भी लोग डलवाते रहते हैं उसमें, उसमें डलवा सकते हैं। फॉर्च्यूनर में जो टॉप मॉडल है उसमें 18 इंच आता है, जो बेसिक मॉडल है उसमें 17 इंच आता है। हाँ जी ठीक है। तो ये हमने एंडेवर में भी 18 इंच आता है, एंडेवर भी 18। तो हाँ वो तो बड़ी गाड़ियाँ एसी भी, प्रॉपर एसी भी हाँ जी हमने तो आएगा ही। जैसे अगर बात करूँ नई थार के अंदर भी 18 इंच है जो शायद टॉप मॉडल है। हाँ जी हाँ जी, अभी वो आएगी तो उसमें मेरे ख्याल 18 इंच के साइज उसमें 18 आ रहा है। हाँ जी, तो सर आपने अभी सारे डिजाइन दिखाए, तो इसमें से कौन सबसे पॉपुलर है, सबसे ज्यादा कौन सा साइज बिकता है कुछ बताएंगे थोड़ा सा? ऐसा कुछ है कुछ ऐसा तो? कुछ नहीं है जी, और तो टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। कभी 5 spokes ज्यादा बिकने लग जाता है, कभी मल्टी स्पोक्स बिकने लगता है, कभी ऐसे वेव चलती है, 6 महीने ये वाला मॉडल आ जाता है, फिर 6 महीने चलता है, फिर वो वाला मॉडल चलने लग जाता है। ओके, और अगर बात करें ब्लैक मशीन, सिल्वर मशीन, अंडरकट, तो सबसे ज़्यादा कौन सा दिखता है किसी को आजकल प्रेफरेंस कैसे चल रही है? आजकल अंडरकट का चल रहा है क्योंकि उसमें ना खाली ज़्यादा दिखता है लार्जर, तो लोग प्रेफर करते हैं कि अंडरकट ही डालें। अंडरकट हाँ जी, तो ऐसे बाकी ब्लैक मशीन ज़्यादा चलता है, बाकी ब्लैक मशीन चलता है। ठीक है, तो सर अभी आपने पूरे प्राइसिंग बताई, सब कुछ दिखाया, काफ़ी अच्छे से डिटेल्स दिखाई। एक बार आप अपनी भी डिटेल बताएं कि आपकी शॉप एग्जैक्टली कहाँ पड़ती है, एंड पंजाब में किसी को भी लेना है तो आप तक कैसे पहुँचे, आप तो आपको कॉन्टैक्ट कैसे करें, थोड़ा बताएं अपने बारे में। हमारी शॉप है जो 97 में हमने स्टार्ट करी थी, अलाइनमेंट बैल सिंह की शॉप से स्टार्ट करी, हमने स्टार्ट उससे किया। हाँ जी, तो हम फिर धीरे धीरे जैसे आपको बताया कि शुरू में हमने 4 सेट अलॉय व्हील लेके आए, जब ब्रिजस्टोन नया लॉन्च हुआ तो सबसे पहले फर्स्ट बिल जो ब्रिजस्टोन का है वो हमारी कंपनी के नाम पे बना था, पंजाब का एक नंबर बिल है मधोक एंटरप्राइजेज के नाम पे बना था। तो 98 में ब्रिजस्टोन की डीलरशिप ली है, फिर जब से ये नियो स्टार्ट किया है, नियो ने जब से पंजाब में स्टार्ट किया वो हमसे स्टार्ट किया शुरू से। हाँ जी, तो काफ़ी टाइम हो गया हमें इस लाइन में, 23 ईयर्स हो गए 97 से अब तक। और हमारी शॉप जो है वो मल्हार रोड पर है, आपको बताया सतपाल मेहता रोड पे है। हाँ जी, और तकरीबन अभी तो सबसे पॉश कॉलोनी है, लोगों को पता चल जाता है कि आप कहीं भी आपने जाना है। हाँ जी, सतपाल मेहता रोड या किप्स मार्केट के बहुत हमारे पास में मार्केट मशहूर है, किप्स मार्केट सराबा नगर मेन मार्केट है, उसको किप्स मार्केट भी बोल देते हैं। ओके, वो हमारे बिल्कुल पास में है, तो मोस्ट हैपनिंग प्लेस है लुधियाना का। मोस्ट हैपनिंग प्लेस में शॉप खोली है, जब हम नए नए आए थे तब तो यहाँ पे इतना कुछ था नहीं, पर आज की डेट में सबसे हैपनिंग रोड जो है जो वो इस टाइम मल्हार सिनेमा रोड है। एग्जैक्टली, ठीक है सर, तो काफ़ी अच्छा लगा, आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में चीज़ें बताई। बाकी सर आपकी सारी में डिटेल्स, फोन नंबर, लोकेशन सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द हेल्प। धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लगा मिलकर, बहुत ही ज़्यादा आपने वो दी डिटेल्स दी। तो सर आप लोगों आज की वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और गाइस आपने अगर लगवाने हैं व्हील्स तो गाइस यू नो वेयर टू कम। सो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।